हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। हमने अपना पेपर सेटिंग स्टार्ट किया था और साथ जिसको मैंने उनको अरिची दिया था और बताया था कौन सा पेपर था। स्टूडेंट्स हमारा उप समाज शास्त्र, उप समाज शास्त्री परिचय। नाम क्या है सेकंड पेपर का? समाजशास्त्री परिचय, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र जो है, जब यानी सन 1838 में एक स्वतंत्र शास्त्र के विषय के रूप में या एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में जब पढ़ाना प्रारंभ किया गया, उसके बाद जो समाज में विभिन्न समस्याएं, नगरों ग्रामों से संबंधित जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं, औद्योगिकरण के पश्चात जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई तो उद्योग से संबंधित या औद्योगिकरण से संबंधित जो विभिन्न समस्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, उन समस्याओं के अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं का धीरे धीरे विकास प्रारंभ हुआ। तो उसके अंतर्गत मैंने आपको औद्योगिक समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र विभिन्न शाखाओं के बारे में जानकारी दी। अपना जो सेकंड पेपर है समाजशास्त्री परिचय स्टूडेंट, उसके अंतर्गत मुख्य रूप से हम स्टूडेंट नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात समस्याओं के प्रादुर्भाव की वजह से या फिर औद्योगिकरण की वजह से क्या प्रारंभ हो गया? नगरीकरण। यानी जहां उद्योग धंधे स्थापित थे, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की गई, वहां पर क्या है, ग्रामीण एरिए से या गांवों से व्यक्ति जाकर वहां आसपास रहने लगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वहां क्या हो गया, जनसंख्या की वृद्धि हुई और नगरों की स्थापना जो है प्रारंभ हुई और नगरीय जीवन पद्धति का जो प्रारंभ हुआ, उसकी वजह से स्टूडेंट्स क्या प्रारंभ हो गया, वहां पर नगरीकरण हो गया। तो मुख्य रूप से जो नगरीय समाजशास्त्र है वो नगरीय जीवन से संबंधित या नगरीय जीवन, नगरीय सामाजिक संबंध, नगरीय सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से जिस समाजशास्त्र का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नगरीय समाजशास्त्र कहते हैं। यानी साधारण रूप में हम नगरीय समाजशास्त्र को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? जिसके अंतर्गत नगरीय समाज, नगरीय लोगों के जीवन, नगरीय लोगों के सामाजिक समूह, नगरीय लोगों की सामाजिक संस्थाएं और नगरीय लोगों की सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? नगरीय समाजशास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स जो हाउस है समाजशास्त्री, महान सामाजिक समाजशास्त्री है, उनकी डेफिनेशन जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि हाउस ने क्या कहा है कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है? नगरीय जीवन और नगरीय समस्याओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो क्या कहलाता है? नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। साथ ही साथ हाउस के अलावा स्टूडेंट्स जो नेल्स एंडरसन है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री माने जाते हैं, जिन्होंने की नगरीय समाजशास्त्र का मुख्य रूप से अध्ययन किया है। इन्होंने भी नगरीय समाजशास्त्र के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नगरीय समाजशास्त्र नगरों एवं कस्बों में निवास करने वाले लोगों के जीवन एवं उनकी समस्याओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। या नगर के लोगों के जीवन, नगर और कस्बे, कस्बे भी किसकी उसमें आएंगे? नगरों के उसमें ही आएंगे। तो कस्बों एवं नगरों दोनों में ही निवास करने वाले लोगों के जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है
वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, नगरीय समाजशास्त्र कहलाता है। अब हम देखते हैं नगरीय समाजशास्त्र की परिभाषा अर्थ जानने के पश्चात कुछ विद्वान जो हैं, मैंने आपको बताया हाउस नाइल्स एंडरसन, विभिन्न विद्वानों ने या विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने हिसाब से उसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो परिभाषित करने के साथ साथ इन विद्वानों में मतभेद भी हुआ, क्योंकि कुछ समाजशास्त्री जो है स्टूडेंट्स वो ऐसे थे जो नगरीय समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते थे, और कुछ जो समाजशास्त्री स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र जो है विज्ञान नहीं है। तो इन दोनों समाजशास्त्र की ओर समाजशास्त्रों के अंतर्गत मतभेद उत्पन्न हुआ, क्योंकि कुछ ही कह रहे हैं नगरीय समाजशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है, कुछ ही कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। तो इस मतभेद की वजह से ही नगरीय समाजशास्त्र की विभिन्न विद्वानों ने प्रकृति का उल्लेख किया, नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख किया, जिसके अंतर्गत स्टूडेंट्स समाजशास्त्रियों ने बताया कि यदि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों है, क्या कारण है कि नगरीय समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जाता है, और यदि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है तो वो क्यों नहीं है, यानी विपक्ष में जो तर्क दिए गए हैं। तो इन दोनों ही तर्कों का अध्ययन करने के लिए नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति का उल्लेख किया गया। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में आपको प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में अंतर स्पष्ट कर चुकी हूँ, वो आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर प्रकृति जानने से पहले स्टूडेंट्स विज्ञान का अर्थ जानना चाहेंगे कि वास्तव में विज्ञान है क्या। समाजशास्त्र के अंतर्गत विज्ञान जो है वह है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है। यदि एक समाजशास्त्री या विद्वान जो है विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए, यानी प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन इत्यादि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए अध्ययन करता है, तो उस विषय को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में विज्ञान क्या है, विज्ञान वह है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन किया जाता है। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या है, स्टूडेंट वैज्ञानिक पद्धति वह है जिसके अंतर्गत अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, सामान्यकरण, वर्गीकरण, संकेतन, सारणीयन, सामान्यकरण और अंत में क्या है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना, यानी जो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जो विभिन्न चरण हैं, उन सभी चरणों का प्रयोग जो है, या फिर एक सामाजिक अनुसंधान करता जो होता है, यदि किसी भी प्रकार का अनुसंधान करता है तो वो अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, संकेतन, सारणीयन, सामान्यकरण, इन विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हुए अंत में जाकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है या अपने निष्कर्ष निकालता है। तो इन सभी चरणों का प्रयोग करते हुए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति कहा जाएगा। तो प्रकृति से पहले हमने इन दोनों का अर्थ जाना, विज्ञान क्या है जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, और वैज्ञानिक पद्धति क्या है जिसके अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का प्रयोग करते हुए अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब हम वापस आ जाते हैं अपने नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, इसके अंतर्गत क्या कहा था कुछ समाजशास्त्रियों ने, नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान है, कुछ ने क्या कहा था, नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, यानी कुछ ने पक्ष में तर्क दिए थे, कुछ ने विपक्ष में तर्क दिए थे। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यदि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों है, इसके क्या कारण है,
या फिर पक्ष में तर्क, कुछ भी कह लीजिए आप कि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान है तो क्यों है, या फिर पक्ष में तर्क। यदि नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति का अध्ययन या प्रकृति का उल्लेख करने के लिए जाते हैं हम, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम विज्ञान का अर्थ बताएंगे, फिर वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ स्पष्ट करेंगे, उसके पश्चात नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान है इसके पक्ष में जो विभिन्न तर्क दिए गए हैं विभिन्न समाजशास्त्रों के द्वारा उनका उल्लेख करेंगे। तो पक्ष में तर्क देने के लिए सबसे पहला जो तर्क दिया गया है स्टूडेंट्स, वो ये कहा गया है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या किया जाता है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। कैसा अध्ययन किया जाता है, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध यानी बिल्कुल क्रमानुसार और व्यवस्थित। मैंने आपको बताया सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जितने भी चरणों का प्रयोग किया गया है उन चरणों को क्रम से ही उनका उपयोग किया जाएगा। ये नहीं है कि यदि आप निष्कर्ष या रिपोर्ट पहले प्रस्तुत कर लेते हैं तो वो सबसे अंतिम चरण है, उसका उपयोग कब किया जाएगा, सबसे अंत में किया जाएगा, तो वो चरण जो है प्रारंभ में नहीं आ सकता है। इसीलिए क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने की वजह से और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने की वजह से नगरीय समाजशास्त्र को स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, जब मैंने इसकी प्रकृति का स्पष्टीकरण किया था स्टूडेंट्स उसमें भी आपको बताया था कि नगरीय समाजशास्त्र जो है वो विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसके अंतर्गत विभिन्न जो वैज्ञानिक प्राविधियां हैं, विभिन्न वैज्ञानिक विधियां हैं, प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन इत्यादि का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। इसीलिए नगरीय समाजशास्त्र को क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, विज्ञान कहा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण तर्क जो पक्ष में दिया जाता है वो ये दिया जाता है, कार्य कारण संबंध कोई भी कार्य होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, या कोई भी घटना घटित होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, क्योंकि कोई भी घटना जो है समाज की हो या कहीं की भी हो वो किसी जादुई घटना की तरह घटित नहीं होती है, बल्कि उसके पीछे कोई ना कोई कारण जो है वो अवश्य होता है। और विज्ञान क्या करता है, इन कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास करता है। तो इसी वजह से क्या कहा जाता है, नगरीय समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट जो है क्या है कार्य, क्या है स्टूडेंट, सेकंड ईयर में काफी अच्छे से हम अध्ययन कर चुके हैं वस्तुनिष्ठता क्या है, वैश्विकता, तटस्थता, ये सारे शब्द जो हैं समान हैं, क्या है यानी जो यथार्थ है जो वास्तविक है, और उस वास्तविकता का या फिर उस यथार्थता का जो जिस रूप में हमें दिखाई दे रही है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाना क्या कहलाता है, क्या है का अध्ययन कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या है का ये अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो स्पेशली नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जो अध्ययन किए जाते हैं वो किस प्रकार के अध्ययन होते हैं, वस्तुनिष्ठ अध्ययन होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए क्या है का अध्ययन किए जाने की वजह से ही नगरीय समाजशास्त्र को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है स्टूडेंट्स, भविष्यवाणी करना संभव,
यानी जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसके आधार पर भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी जो है वो भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत दी जा सकती है। यानी नगरीय समाजशास्त्र में जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें किसी भी प्रकार की समस्या है, बेरोजगारी या बेकारी को ले लीजिए आप, तो वर्तमान में उस स्थिति का अध्ययन किया जाता है और आने वाले समय में यदि बेकारी को दूर करने की या बेरोजगारी को दूर करने के विभिन्न उपायों को अपनाया जाता है तो उसके पश्चात बेकारी की क्या सिचुएशन रहेगी, क्या परिस्थितियां आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में उस समस्या का किस तरह से निवारण किया जा सकता है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। यानी इस आधार पर, वर्तमान के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता की वजह से ही नगरीय समाजशास्त्र को कौन सी श्रेणी में रखा गया है, विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। अगला जो आता है सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। विज्ञान क्यों है नगरीय समाजशास्त्र, क्योंकि इसके अंतर्गत जिन भी सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है वो सिद्धांत कैसे होंगे, सार्वभौमिक होंगे। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ है कि जो भी सिद्धांत हैं यदि परिस्थितियां समान रहती है तो वो सिद्धांत सभी कालों में सही साबित होते हैं। सार्वभौमिकता का क्या अर्थ हुआ, सिंपल सा कि सिद्धांत जो बनाए गए हैं या नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन सिद्धांतों का निर्माण किया गया है वो सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि यदि परिस्थितियां समान रहती हैं तो सभी कालों में सभी समय में वो सिद्धांत सही साबित होते हैं। तो इसी वजह से भी नगरीय समाजशास्त्र क्या है स्टूडेंट्स, एक विज्ञान है। अंतिम महत्वपूर्ण पक्ष में तर्क जो दिया जाता है स्टूडेंट्स वो ये आता है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव। यानी इसके अंतर्गत, यानी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत जिन भी सिद्धांतों का निर्माण किया गया है उन सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा यानी दोबारा परीक्षण जो है वो संभव हो पाता है। कैसे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता जो है अध्ययन कहाँ करता है, क्षेत्र में जाकर इकाइयों का अध्ययन करता है, उस घटना का अध्ययन करता है, उस समस्या का अध्ययन करता है। तो यदि उससे संबंधित उसको किसी भी तरह की कोई डाउट हो, शंका हो, तो वो हाथों हाथ उसी प्रकार की है कुछ समय पश्चात उसी प्रकार की वैसी ही किसी अन्य घटना का अध्ययन कर लेता है ताकि उसके जो सिद्धांत उसने निर्मित किए हैं उनकी पुनर्परीक्षा जो है दूसरी वैसी की वैसी घटना को देखकर पुनर्परीक्षण हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण या पक्ष में तर्क कह लीजिए स्टूडेंट्स, इनकी वजह से नगरीय समाजशास्त्र को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है। किंतु मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था स्टूडेंट्स कि कुछ समाजशास्त्र जो है वो तो ये चाहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र क्या है, विज्ञान है। यानी इस विषय को कैसा विषय कहा जाए, विज्ञान कहा जाए। किंतु कुछ समाजशास्त्रियों ने इसके विरोध में या इसके विपक्ष में अपने तर्क दिए हैं जिसकी वजह से कहा गया कि नगरीय समाजशास्त्र जो है वो क्या नहीं है, विज्ञान नहीं है। तो विज्ञान नहीं है समाजशास्त्री जो भी कहते हैं उन्होंने विज्ञान के विपक्ष में यानी नगरीय समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विपक्ष में तर्क देने का प्रयास किया है जिनका भी अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक होगा। सबसे पहला तर्क जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है स्टूडेंट कि नगरीय समाजशास्त्र जो है विज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसका अभाव पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है, वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है।
या फिर तटस्थता का, यथार्थता का अभाव इसके अंतर्गत पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जिन सामाजिक समस्याओं का अध्ययन सामाजिक अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, वो सामाजिक अनुसंधानकर्ता भी किसका एक सदस्य होता है? समाज का ही एक सदस्य होता है। तो उसकी जो विचार है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो रुचियां हैं, वो सभी जो है उस घटना को, उस समस्या को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए अनुसंधानकर्ता जो है, चाहते हुए भी समाज से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उनका वस्तुनिष्ठता के साथ या फिर तटस्थता के साथ अध्ययन नहीं कर सकता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। दूसरा महत्वपूर्ण तर्क जो किया जाता है, वो भी महत्वपूर्ण है, कि प्रयोगशाला का अभाव। इसका अभाव है समाजशास्त्र में, प्रयोगशाला का अभाव है। इसीलिए कोई भी प्रयोग यदि करने हैं तो कहाँ किए जाएंगे? समाज के अंतर्गत ही किए जाएंगे। यानी अध्ययन करना है तो कहाँ जाकर करना है? हमें समाज के अंदर जाकर ही करना है। तो हमारा नगरीय समाजशास्त्र जो नगर है या जिसका हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, वही पूरी क्या है, हमारे लिए वो प्रयोगशाला मानी जाती है। तो प्रयोगशाला के अभाव में हम परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और यदि परिस्थितियां नियंत्रित नहीं होगी तो हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा स्टूडेंट्स, वो कभी भी यथार्थ अध्ययन या फिर तटस्थ या फिर वस्तुनिष्ठ अध्ययन नहीं हो सकता। तो दूसरा महत्वपूर्ण तर्क विपक्ष में ये दिया जाता है कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या नहीं है, प्रयोगशालाएं नहीं है। इस वजह से नगरीय समाजशास्त्र कौन सी श्रेणी में नहीं आता है? विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट तर्क जो दिया जाता है, वो दिया जाता है सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। किसकी जटिल प्रकृति? सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। सामाजिक घटनाएं जटिल प्रकृति की होती है, क्योंकि घटना को मापना तोलना संभव नहीं है। कितने किलो है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इस ये जानकारी यदि होती है तो वह विषय जरूर विज्ञान के श्रेणी में आएगा। लेकिन यदि इन चीजों का अभाव पाया जाता है किसी विषय में, माप तोल लंबाई चौड़ाई का यदि अभाव पाया जाता है, तो वह घटनाएं किसके अंतर्गत आएगी? जटिल प्रकृति के अंतर्गत आएगी। और उनका यदि सही रूप में अध्ययन या वस्तुनिष्ठ रूप में अध्ययन नहीं किया जाएगा, तो वह विषय कभी भी विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो आता है, भविष्यवाणी का अभाव। क्या है कि आधार पर क्या होना चाहिए, ये भी नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं बताया जा सकता। क्यों? क्योंकि नगरों में परिवर्तन की जो गति होती है वो कैसी होती है? बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है। तो इस तीव्रता का, परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना जो है, एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए इतना आसान नहीं होता है। इन परिवर्तनशील घटनाओं का अध्ययन करना आसान नहीं है, और इसी वजह से नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। और यदि भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो वह विषय कतई विज्ञान की श्रेणी के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। अगला महत्वपूर्ण जो आता है बिंदु, वो आता है सार्वभौमिकता का अभाव। किसका अभाव? सार्वभौमिकता का। मैंने आपको बताया, यदि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत कोई भी सिद्धांत बनाए जाते हैं, तो वो कब सार्वभौमिक होंगे? यदि परिस्थितियां समान रहे, तो वो सिद्धांत सभी कालों में, सभी समय में खरे उतरेंगे, यानी सही साबित होंगे, तभी तो वो कैसे होंगे? सार्वभौमिक होंगे। लेकिन पिछला जो बिंदु हमने बताया, भविष्यवाणी का अभाव,
तो यदि भविष्यवाणी नहीं कर सकते किसकी वजह से, परिवर्तनशीलता की वजह से भविष्यवाणी संभव नहीं है। और यदि भविष्यवाणी संभव नहीं है स्टूडेंट्स, तो जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जा चुका है वो इस परिवर्तनशीलता की वजह से कभी भी सार्वभौमिक नहीं होंगे। तो ये कुछ बिंदु हैं जिसकी वजह से समाजशास्त्रियों में विरोधाभास उत्पन्न हुआ और इसकी वजह से नगरीय समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखने की बजाय क्या कहा गया कि नगरीय समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है।